नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डीजीपी ओपी सिंह का कार्यकाल 31 जनवरी को होगा पूरा। कार्यकाल से पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को अपने संबोधन से संदेश दिया। अपने संदेश में डीजीपी सिंह का बयान, विश्व के सबसे विशालतम पुलिस बल का मुखिया बनने का सम्मान मुझे मिला, उसको और गौरवान्वित करने का मैंने प्रयास किया। पिछले 2 वर्षों में जिन पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों ने मेरा कदम से कदम मिलाकर दिया साथ, मैं उनके हृदय से धन्यवाद करता हूं। विशाल कुंभ के आयोजन के बाद करें या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अयोध्या प्रकरण में कानून व्यवस्था संभालने की बात होगी, हमने सभी जगह उल्लेखनीय काम किया है। सामान्य धारणा ये रही है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराधों पर अंकुश लगाते हुए अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, उसी के फलस्वरूप आज महिलाएं और वृद्धजन अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जनपद लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी लागू होना ये हमारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये एक चुनौती भी है। चुनौती को हम सबको स्वीकारना चाहिए। साथियों, आगामी 31 जनवरी को मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहा हूँ। विश्व के विशालतम पुलिस बल का प्रमुख बनने का जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने प्रत्येक क्षण उसके गौरव को बढ़ाने की कोशिश की है। आप सभी ने लगातार पूर्ण मनोयोग एवं कर्तव्य निष्ठा से मेरा साथ दिया है। पिछले 2 वर्षों में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथियों, विगत 2 वर्षों में हमने कानून व्यवस्था एवं अपराधों की रोकथाम हेतु उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चाहे वह भव्य कुंभ का आयोजन हो या अयोध्या प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय आपकी सजगता हो, अथवा निर्वाचनों में सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, हमारे कार्य एवं आचरण की प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है। अपराधों के शमन में भी हमने आम धारणा के विपरीत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सामान्य धारणा यह रही है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराधों में वृद्धि होती है। इसे झुठलाते हुए आपने अथक परिश्रम से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है, जिसके फलस्वरूप इन महत्वपूर्ण अपराधों में भी भारी कमी आई है। अब महिलाएं एवं वृद्ध खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह सब आप सभी के अथक परिश्रम के बगैर संभव नहीं था। पुलिस परिवार की बेहतरी के लिए सब्सिडरी कैंटीन एवं CGHS दर पर चिकित्सा सुविधा के साथ सभी के लिए आवासीय योजना पर भी कार्य किया गया है। जनपद लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली हमारी उपलब्धि है, परंतु यह एक चुनौती भी है। हम सभी को आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सफल होना है। साथियों, हमें अभी बहुत आगे जाना है। तकनीकी का प्रयोग हो अथवा बीच व्यवस्था, हमें परंपरागत व्यवस्था के साथ आधुनिक तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पुनः मैं आप सभी को आपके बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप एवं आपका परिवार सुखी एवं स्वस्थ रहें, उत्तरोत्तर प्रगति करें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।